नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट। मैं हूं आपकी आरजे प्रियंका और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम को हमारे पहले डेली अपडेट के साथ, जिसका शीर्षक है निधन। महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी का 89 साल की उम्र में निधन। महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी का महाराष्ट्र के कोल्हापुर में निधन हो गया। 89 वर्षीय लेखक और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता का अंतिम संस्कार कोल्हापुर में किया गया। 14 अप्रैल 1934 को डरबन में मणिलाल गांधी और सुशीला मशरूवाला के घर जन्मे अरुण गांधी एक कार्यकर्ता के रूप में अपने दादा के नक्शे कदम पर चले। उन्होंने कस्तूरबा द फॉरगॉटन वुमन, ग्रैंडफादर गांधी, बेथनी हेडगेस के साथ इवान तुर्क द्वारा चित्रित द गिफ्ट ऑफ एंगर एंड द अदर लेसन फ्रॉम माय ग्रैंडफादर महात्मा गांधी आदि जैसी किताबें लिखी। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है निधन। उत्तराखंड के मंत्री चंदन रामदास का निधन। उत्तराखंड के मंत्री चंदन रामदास का राज्य के बागेश्वर जिला अस्पताल में निधन हो गया, एक पुलिस अधिकारी ने कहा। वह 65 साल के थे। बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र से विधायक दास के पास समाज कल्याण और परिवहन विभाग था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगी के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। धामी ने कहा, मैं अपने मंत्रिमंडल में अपने वरिष्ठ सहयोगी चंदन रामदास के अचानक निधन की खबर जानकर स्तब्ध हूँ। यह राजनीति और समाज सेवा के लिए अपूर्णीय क्षति है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राज्य। बीआरओ ने माणा को पहला भारतीय गांव का साइन बोर्ड लगाया। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने सीमावर्ती गांव माणा की दहलीज पर एक साइन बोर्ड लगाया है, जिस पर पहला भारतीय गांव लिखा है। उत्तराखंड के चमोली में भारत चीन सीमा पर स्थित माणा, जिसे पिछले अंतिम भारतीय गांव के रूप में जाना जाता था, अब पहले भारतीय गांव के रूप में जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अक्टूबर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उस टिप्पणी का समर्थन किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि माणा देश का पहला गांव है और हर सीमावर्ती गांव पहला गांव होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राज्य। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने तमिलनाडु में पोत परिवहन मंत्रालय की प्रौद्योगिकी शाखा का उद्घाटन किया। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस में बंदरगाहों, जलमार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र NTCPWC का उद्घाटन किया है। केंद्रीय जलमार्ग मंत्रालय की प्रौद्योगिकी शाखा NTCPWC का विस्तार जलवायु परिवर्तन, समुद्री रोबोटिक्स, समुद्री सूचना विज्ञान और विश्लेषिकी, स्मार्ट मॉडलिंग और सिमुलेशन के क्षेत्रों में विश्व स्तरीय बहुक्रियाशील समुद्री प्रयोगशालाओं को शामिल करने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में NTCPWC की तर्ज पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे पांचवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है अर्थव्यवस्था। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए प्रावधान मानदंडों को सुसंगत बनाया। रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों UCB की सभी श्रेणियों पर लागू मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान मानदंडों को सुसंगत बनाया है। पिछले साल दिसंबर में RBI ने नियामकीय उद्देश्यों के लिए UCB को 4 स्तरों Tier 1, 2, 3 और 4 में वर्गीकृत किया था। इससे पहले ऐसे बैंक केवल Tier 1 और Tier 2 श्रेणियों में आते थे। केंद्रीय बैंक ने एक परिपत्र में कहा, समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि सभी श्रेणियों के UCB पर लागू मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान नियमों को सुसंगत बनाया जाए, भले ही संशोधित ढांचे में उनका स्तर कुछ भी हो। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे छठवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है बैंकिंग। RBI ने 4 सहकारी बैंकों पर लगाया 44 लाख रुपए का जुर्माना। रिजर्व बैंक ने 4 सहकारी बैंकों पर कुल 44 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। चेन्नई स्थित तमिलनाडु स्टेट एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक पर 16 लाख रुपए, बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक पर 13 लाख रुपए, जनता सहकारी बैंक पुणे पर 13 लाख रुपए और राजस्थान के बारा स्थित बारन नागरिक सहकारी बैंक पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
तमिलनाडु स्टेट एपेक्स कोऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना लगाया गया है क्योंकि यह निर्धारित अवधि के भीतर जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष में पात्र राशि हस्तांतरित करने में विफल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे साथ में डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है शिखर सम्मेलन और सम्मेलन। भारत, ईरान और आर्मेनिया ने क्षेत्रीय संबंधों को गहरा करने के लिए नई त्रिपक्षीय वार्ता की। क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत, आर्मेनिया और ईरान के विदेश मंत्रालय ने यरेवन में अपना पहला त्रिपक्षीय परामर्श आयोजित किया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आर्मेनिया के उप विदेश मंत्री अंस्कन सफरयान, ईरान के विदेश मंत्री के सहायक सैयद रसूल मौसावी और भारत के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव जेपी सिंह ने किया। बैठक के दौरान तीनों देशों ने विशेष रूप से आर्थिक मुद्दों और क्षेत्रीय संचार पर व्यापक चर्चा की। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे आठवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है राष्ट्रीय। श्रम मंत्री ने प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए ई श्रम पोर्टल पर नई विशेषताओं का शुभारंभ किया। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने ई श्रम पोर्टल पर नई सुविधाओं को लॉन्च किया है, जिसमें बाल शिक्षा और महिला केंद्रित योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए प्रवासी श्रमिकों के परिवार के विवरण को कैप्चर करने में मदद मिलेगी। श्रम मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि पंजीकृत श्रमिक अब ई श्रम पोर्टल के माध्यम से रोजगार के अवसरों, कौशल, शिक्षुता, पेंशन योजना, डिजिटल कौशल और राज्यों की योजनाओं से जुड़ सकते हैं। इसमें बताया गया है कि यह सुविधा परिवार के साथ पलायन करने वाले श्रमिकों को बाल शिक्षा और महिला केंद्रित योजनाएं प्रदान करने में मदद कर सकती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे नौवें डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है रक्षा। वैश्विक सैन्य व्यय में भारत चौथे स्थान पर, सिप्री रिपोर्ट। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश था, जिसमें 2021 की तुलना में इसके रक्षा खर्च में लगभग 6% की वृद्धि हुई है। सैन्य व्यय रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत द्वारा कुल खर्च का लगभग 23% उपकरणों और बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण के लिए था, जिसमें चीन सीमा भी शामिल है, जहां तनाव जारी है। हालांकि खर्च का एक बड़ा हिस्सा वेतन और पेंशन जैसे खर्चों के लिए था। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे दसवें व अंतिम डेली अपडेट की तरफ, जिसका शीर्षक है बैंकिंग। SBI की चौथी स्टार्टअप शाखा मुंबई में शुरू। भारतीय स्टेट बैंक ने एक छत के नीचे स्टार्टअप को सभी आवश्यक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए मुंबई में अपनी चौथी स्टार्टअप शाखा खोली है। SBI के चेयरमैन दिनेश खारा ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में शाखा का उद्घाटन किया। स्टार्टअप शाखा ने पहले ही IIT बॉम्बे में सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप SINE साइन, सेंटर फॉर इंक्यूबेशन एंड बिजनेस एक्सेलरेशन SIBA और SPGEN इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च SPGIMR के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। शाखा भारत में स्टार्टअप के विकास और परिवर्तन का समर्थन करने के लिए उन सभी को समीचीन सेवाएं प्रदान करेगी। इस अपडेट के साथ ही हमारा आज का यह हिंदी भाषा का कार्यक्रम डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स यही समाप्त होता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे यूं ही जुड़े रहिए। मैं आपकी RJ प्रियंका आपसे यही विदा लेती हूँ। धन्यवाद।